केंद्र सरकार ने हिमाचल में 6 रोपवे निर्माण की दी सैद्धांतिक मंजूरी। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर में बनने वाले इन रोपवे की होगी 39 किलोमीटर लंबाई। रोपवे के निर्माण से प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के द्रंग और जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में लिया भाग। डाक विभाग की अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में सोलन की 2 लड़कियों ने मारी बाजी। इशिता शर्मा ने पहला जबकि सृष्टि गुप्ता ने तीसरा स्थान किया हासिल। प्रतियोगिता में 192 देशों के बच्चे लेते हैं भाग। भाजपा हिमाचल प्रदेश चुनाव दृष्टि पत्र समिति की बैठक शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में संपन्न। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया, दृष्टि पत्र के संकलन हेतु मिल रहे हैं अनेकों सुझाव। क्षय रोग उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया अभियान। ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। टीबी की पहचान के लिए बढ़ेगा टेस्टिंग का अभियान। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आबकारी एवं कराधान विभाग और पुलिस की संयुक्त बैठक का आयोजन। उपायुक्त ने पुलिस तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से गहनता से किया विचार विमर्श और उनसे शराब एवं मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम संबंधी सुझाव किए आमंत्रित। नाहन में कल देर शाम हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार के 72 सदस्यों की शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय ने शहर में निकाला चहल्लुम का मातमी जुलूस। शहर में सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हुई भारी वर्षा। राजधानी शिमला में 90 मिलीमीटर जबकि बकलोह में 160 मिलीमीटर वर्षा हुई दर्ज। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की जताई संभावना, जबकि 15 और 16 सितंबर को अधिकांश भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट।